अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सद्दीक नवाज़ और आप देख रहे हैं हाउ अर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट जो यूनिवर्सिटी ने शो कर दी है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंटों का उन मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है वो अपनी फ़ीस कैसे जमा करवा सकते हैं और वो फ़ीस कितनी होगी इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करना होगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट के ऑप्शन पर जाके आपके पास तमाम प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इस मेरिट लिस्ट के पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनमें शामिल है आर्थोपैथोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, BBA, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, DSS, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ग्राफिक्स, हिस्ट्री, IT, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पाकिस्तान स्टडी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जोवालॉजी के प्रोग्राम शामिल हैं। इन तमाम प्रोग्राम की थर्ड मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने मैथमेटिक्स के प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने मेरिट लिस्ट शो हो जाएगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंटों का मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है अगर वो रेगुलर बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी फ़ीस 70,960 रुपए के लगभग होगी और जो सेल्फ फिनांस की सीट पर एडमिशन ले रहे हैं उनकी फ़ीस 1,15,520 रुपए होगी। और इसके अलावा स्टूडेंट हॉस्टल में रहना चाहते हैं उसकी फ़ीस 26,850 रुपए होगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हदायत दी गई हैं जिसमें कहा गया है कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सेल्फ फिनांस की बुनियाद पर पहली या दूसरी मेरिट लिस्ट पे पहले ही इंतखाब कर लिया है और अपनी फ़ीस वाजिब जमा करवाई है और इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो अपने दाखिले की तस्दीक के लिए नए मौजूदा डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। और इसके अलावा फ़ीस जमा करवाने का तरीकाकार बताया गया है। कहा गया है कि उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो HBL या अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में फ़ीस जमा करवाएं और अपने दाखिले की तस्दीक के लिए मुतलका महकमे में अदाशुदा फ़ीस वाजबात की असल मुमकाना चलान कापी जमा करवाएं। मशवरा दिया जाता है कि अदायगी के चलान के स्कैन फ़ोटो कापी दाखिला पोर्टल अकाउंट पर अपलोड करें। दाखिले की तस्दीक मुतलका महकमों के ज़रिए असल दस्तावेज़ात की तैयारी और तस्दीक से मशवरात हैं। स्कैन शुदा कापी को अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के ज़रिए लॉगिन हो उसके बाद आप अपने स्कैन शुदा कापी जो आपने बैंक में फ़ीस डिस्पोजल कराई है उसकी स्कैन कापी करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के एडमिशन, ऑनलाइन अप्लाई की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडी, सोशल स्टडी और बिजनेस स्टडी के तमाम प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल, मेरिट लिस्ट की मुकम्मल तफसीला, बोर्ड के इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन और तालीमी न्यूज हासिल करने के लिए पाकिस्तान के वाहिद सबसे बड़े चैनल हाउ अर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले।